I welcome you all once again to my channel Explore Education and today I am going to discuss an important topic in educational psychology that is Psychological Defense Mechanisms Mano Rakshatantra and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls' College, University of Allahabad and it is my email id.

तो क्या है साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन साइको एनालिटिक थेरी हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रायड सिगमन फ्रायड की थ्योरी को हम साइकोएनालिसिस के नाम से जानते हैं इसलिए उन्हीं की थ्योरी को साइकोएनालिटिक कहा जा रहा है इन साइकोएनालिटिक थ्योरी अ डिफेंस मैकेनिज्म इज एन अनकॉन्शियस सबसे खास बात इसकी ये है कि ये सब अचेतन में चल रहा है अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ऑपरेशन यानी कि अचेतन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है यह दैट फंक्शंस टू प्रोटेक्ट किस लिए की जाती है प्रोटेक्ट द पर्सन हम एक व्यक्ति को बचाना है किससे फ्रॉम एनगी प्रोड्यूसिंग थॉट एंड फीलिंग्स रिलेटेड टू इंटरनल कंफ्लिक यानी कि मन के अंदर जो द्वंद चल रहे हैं उनसे और जो बाहर वातावरणीय कारक हैं जो हमको स्ट्रेस प्रदान करते हैं उन सब से व्यक्ति को बचाने के लिए जो अचेतन में मनोवैज्ञानिक संक्रियाएं चलती है उसी को साइको एनालिसिस में डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र कहा गया है Then, फर्स्ट डिस्क्राइब बाई सिगमन फ्राइड यानी कि सिगमन फ्राइड साहब ने ही सबसे पहले हमको साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया उसके पहले साइकोलॉजी में कहीं इसकी कोई बात नहीं थी इन हिज साइको एनालिटिक थेरी जब वो अपनी साइको एनालिटिक थेरी बता रहे थे उसी में इन्होंने बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या हैं फंक्शन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन एनजाइटी व्यक्ति को चिंता के विरुद्ध बचाने का काम करते हैं दिस कंसेप्ट वॉज डेवलप बाई हेम हिम एंड हिज डॉटर एना फ्राइड एना फ्राइड का भी बहुत काम है साइको एनालिसिस में और डिफेंस मैकेनिज्म में तो उन्होंने और उनकी उन्हों बेटी ने मिलकर इस कंसेप्ट को डेवलप किया है According to Freudian theory, defense mechanisms involve a distortion of reality in some way so that we are better able to cope with the situation. क्या होता है Freudian theory के हिसाब से defense mechanism में होता क्या है कि distortion of reality यानी कि जो वास्तविकता है उसको हम थोड़ा सा distort करते हैं हम मतलब individual करता है जिससे कि वो जो situation stressful situation आ गई है जो anxious situation उसके इर्द गिर्द आ गई है उससे वो बेहतर तरीके से डील कर सके तो रियलिटी का डिस्टॉर्शन है अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है ओके देन डिफेंस मेकेनिजम्स इन साइको थियरी एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ मेंटल दैट इनेबल्स द माइंड टू रीच कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन टू दैट इट इज़ अनेबल टू रिजोल्व मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम मुश्किल हो रही है हमको रिजोल्व करने में लेकिन हम क्या करते हैं कुछ ऐसी मेंटल प्रोसेसिस करते हैं जिससे कि मस्तिष्क को मन को वहां तक कॉम्प्रोमाइज कर ले सिचुएशन से कोप अप कर ले बेटर कोप अप कर ले यही डिफेंस मैकेनिज्म का क्रक्स है और द टर्म वॉज फर्स्ट यूज इन सिकमन फ्राइड पेपर दी न्यूरोसाइकोसिस ऑफ डिफेंस अठारह सो चौरानवे माई गॉड अठारह में ये बात की जा रही है जिसको हम आज भी पढ़ते समझते हैं और तब भी हमको ये उद्वेलित करता है रोमांचित करता है कि कैसी ये बातें हैं जो तब समझ नहीं गई थी कितनी पुरानी बात है तब सिगमन फ्राइड ने अपने पेपर द न्यूरोसाइकोसिस ऑफ डिफेंस में डिफेंस मैकेनिज्म का जिक्र किया था ठीक है अच्छा बहुत डिफेंस मैकेनिज्म मैंने सिर्फ बारह बताई हैं और भी बहुत आपको मिल जाएंगी लेकिन इसमें आपको एक मैक्सिमम टाइप्स मैंने कवर करने की कोशिश की है तो जब थियर प्रश्न पूछा जाता है उसमें भी बहुत पूछा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत हैं। क्योंकि ये बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है बहुत माइन्यूट अंतर एक और दूसरे के बीच में जैसे खासतौर से रिप्रेशन और सप्रेशन और रैशनलाइजेशन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन आप पढ़ेंगे आगे अभी इनमें बहुत बहुत एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं और कई बार एक दूसरे की जगह यूज कर दिए जाते हैं जबकि ये अलग अलग हैं। तो मैंने 12 कवर करने की कोशिश की है मैक्सिमम है आप इससे समझ सकते हैं कुछ और भी है मैंने उसको छोड़ दिया है डेलीबरेटली तो कितने तरीके की डिफेंस डिफेंसमेंट की बात की गई डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीन्स विस्थापन प्रोजेक्शन क्षेपण रेशनलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन प्रतिक्रिया गठन रिग्रेशन प्रतिगमन रिप्रेशन दमन सब्लिमेशन जिसको उच्च बनाने की प्रक्रिया ऐसा भी मिल रहा है पर उदातिकरण चलेगा इसका डिनायल कहीं कहीं इनकार करना है अस्वीकार्य इंटेलेक्चुअलाइजेशन बौद्धिकता इंट्रोजेक्शन अंतर्मुखता कंपेन्सेशन मुआवजा एंड सप्रेशन दमन तो रिप्रेशन और सप्रेशन के लिए हिंदी में एक ही शब्द है दमन हम्म तो शुरू करते हैं वन बाई वन डिस्प्लेसमेंट किस तरीके की डिफेंस डिस्प्लेसमेंट में है और डिस्प्लेसमेंट में व्यक्ति क्या करता है क्या करता है डाइवर्टिंग

हो. इसका क्या एग्जांपल है मतलब जहां से चिंता आ रही है उसकी तरफ हम अपना डाइवर्जन डाइवर्जन किस तरफ करते हैं उस तरफ जो हमारे लिए लेस थ्रेटनिंग है मोर एक्सेप्टेबल है आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कैसे अ स्टूडेंट पॉसिबल बिहेवियरल एग्जांपल सबका मैंने कोशिश की है कि बिहेवियरल एग्जांपल से समझाएं तभी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि स्टूडेंट इज एंग्री प्रोफेसर। अक्सर जब मार्किंग uh, होती है होता है, तो बच्चे कई बार नाराज हो जाते हैं कि हमको कम नंबर मिले है, हमारे पार्शियलिटी हुई या क्या हुआ है क्या हुआ है इस तरीके की बातें। बहुत तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं तो स्टूडेंट हुए ग्रेड लैशेज आउट एट हर रूम मेड हु से मतलब एक विद्यार्थी है एक बच्ची है जिसको लग रहा है कि उसको कम नंबर मिले हैं लेकिन वो अपने प्रोफेसर पे तो गुस्सा नहीं उतारेगी अपना तो वो क्या करती है जब अपने रूममेट के पास आती है उससे झगड़ भी है उस पर चिल्ला रही है क्यों क्योंकि वो उसका सेफ और टारगेट है वो उसको कुछ बोल भी देगी तो उससे उसका कुछ नुकसान नहीं है और इस तरीके से वो गुस्सा निकालने की कोशिश है तो थोड़ा सा जब गुस्सा एक बार निकल जाता है मन शांत हो जाता है तब आदमी स्थिर हो जाता है कि अरे यार वो दिक्कत वहां से क्रिएट हुई थी और इसलिए मैं इस तरह से रिएक्ट किया मैंने है ना तो डिसप्लेसमेंट है हम डाइवर्ट कर रहे हैं अपने थ्रेटनिंग इंपल्सिस को क्यों क्योंकि उनके ऊपर तो नहीं चिल्ला सकती थी। इसलिए कुछ भी हो सकता है जैसे हम बॉस से नाराज हैं तो बॉस पर अपने घर में अपने बच्चों पर चिल्ला लेते हैं कुछ इस तरीके का ताकि जो सेफर टारगेट है जिससे हमको हम, आ, आ, हमारा भी हो जाए और हमको नुकसान भी ना हो तो ये एक प्रकार की डिफेंस है अकॉर्डिंग टू फ्राइट देन प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है हिंदी में प्रक्षेपण तो इसका क्या मतलब है disguising threatening impulses by attributing them to others it is a form of defense in which unwanted feelings are displaced onto another person matlab

पसंद करते हैं तो हम क्या पोज करेंगे हम पोज करेंगे कि वो हमको ना पसंद करता है यानी कि हमारा हम अपने मनोभावों को छुपा रहे हैं सबके सामने क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, वो भाई सोशली डिजायरेबल एट्रीब्यूट नहीं है हमको इस तरह से किसी को uh, मतलब ना पसंद करने का जब हमको पास लॉजिक नहीं है तो हम क्या कहेंगे वही हमको पसंद नहीं करता इसलिए हम इस तरीके का बिहेव करते हैं तो ये सब क्या है ये सब है कॉन्फ्लिक्ट है स्ट्रेस है उसको हम किस तरह से अनकॉन्शियसली अपने दिमाग में कुछ संक्रियाएं करके कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि हम बेटर कोपअप कर सकें और हम सबसे इसका क्रक्स क्या है कि हमको गिल्ट फीलिंग पसंदीदगी मतलब हम किसी के सामने कैसे कहें कि हम उसको ना पसंद करते हैं तो हम कह देते हैं कि वही हमको ना पसंद करता है तो सोशली डिजायरेबल हो जाएगा तो लोग लगेगा कि हाँ हाँ वही आपको ना पसंद करता है दैट्स इट तो डिस्प्लेसमेंट हो गया प्रोजेक्शन हो गया प्रोजेक्शन का मतलब प्रक्षेपित करने यानी कि अपने मनोभाव को आप दूसरे पर प्रक्षेपित कर रहे हैं देन रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन का मतलब इसमें रैशनेल आएगा रैशनेल आएगा मतलब जनरेटिंग सेल्फ जटिस जस्टिफाइंग बिहेवियर्स फॉर नेगेटिव बिहेवियर्स यानी कि जो नकारात्मक व्यवहार है उसको हम क्या कह रहे हैं कुछ ऐसे व्यवहार में तब्दील कर दे रहे हैं जिसे हम सेल्फ को सेटिस्फाई कर सकते हैं सेल्फ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं इट इज अब्सिट्यूशन ऑफ ए सेफ एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉज ऑफ बिहेवियर मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा नेगेटिव बिहेवियर है उसको हम जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये सुरक्षित है और हमारा तार्किक व्यवहार है तार्किक व्याख्या है इसलिए हमने ऐसा किया इट मे हेल्प होता है कि जो individual है, जो विद्यार्थी है जो substitute, जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है कि वो गिल्ट को अवॉइड कर सकता है सेल्फ रेस्पेक्ट उसकी maintain रहती है कि ठीक है ठीक है उसने गलत नहीं किया उसका हम जो अपने जो गलत व्यवहार है उसका हम

जो चीज गलत हुई है या जो हमारा व्यवहार गलत है उसको हम अपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं रैशनेल लगा के इसीलिए इसका नाम रैशनलाइजेशन है या युक्तिकरण है हम युक्ति निकालते हैं कि कैसे इसको हम जस्टिफाई कर सके देन रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर्मेशन मीन्स प्रतिक्रिया गठन इसमें क्या होता है ए पर्सन Unconsciously replaces an unwanted or an anxiety provoking impulse with its opposite, often expressed in an exaggerated ex or showy way. Matlab, कि अनकॉन्शियली अनकॉन्शियसली अचेतन में एक व्यक्ति क्या करता है हमारा जो अनवांटेड बिहेवियर है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो अवांछनीय है जो अम्म प्रोवोकिंग है मतलब वो जो चिंता का कारण बन सकता है उसको हम क्या करते हैं उसके उल्टे व्यवहार से शो करते हैं और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के कैसे इट इज फिक्सेशन इन कॉन्शियसनेस ऑफ एन आइडिया इफेक्ट और डिजायर

पब्लिकली क्या दिखाएंगे कि हम बड़ा अच्छा उससे बिहेवियर करते हैं और बड़े फ्रेंडली हैं उसके पास लेकिन मनी मन हम उल्टा उसका सोचते हैं तो ये क्यों क्योंकि पब्लिकली हमारी इमेज खराब ना हो तो ये सब के कुछ हमारे दिमाग की उपज है जो अचेतन में चल रही है जो हमारे इर्द गिर्द जो द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे हम कैसे डील करते हैं ये सब कुछ फ्रायड ने अपनी किताब में लिखा है कि इतनी तरीके की और भी बहुत जो मैंने नहीं इंक्लूड की हैं कि मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र देखिए रक्षा प्रक्रिया में क्या होता है हम बाहरी दुश्मन से लड़ते हैं यहाँ क्या है मन लड़ रहा है कैसे कैसे लड़ रहा है कि अब हम किसी को बहुत बुरी तरह से नापसंद कर रहे हैं तो हम कैसे कहें कि हम उसको पसंद नहीं करते तो या तो हम कह देते हैं ये हमको पसंद नहीं करता है या डिसप्लेसमेंट में हम कह देते हैं कि वही हमको पसंद नहीं करता है और रिएक्शन फॉर्मेशन में हम क्या कहते हैं कि हम उससे बहुत फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करते हैं बाहर से से ऊपर या एक माँ है जो नहीं चाहती अनवांटेड चाइल्ड है उसके उसके पास तो वो क्या करेगी कि उसके संग बहुत फ्रेंडली बहुत उससे मतलब यू कैन से वात्सल्य दिखाने की कोशिश करेगी ये कि कहीं ये ना प्रूफ हो जाए कि वो बुरी माँ है या कुछ भी फॉर एग्जाम्पल है ये सारी बातें है ना एल्कोहलिक को ये शराब भी है लेकिन वो खुद तो शराब पीता है लेकिन जब पब्लिक में बैठेगा तो शराब ना पीने के फायदे नुकसान बताएगा कि नहीं नहीं शराब बहुत गंदी चीजें नहीं पीनी चाहिए तो ये इस तरीके का हम रिएक्शन फॉर्मेशन दिखा रहे हैं शो कर रहे हैं मन में कुछ और चल रहा है बाहर कुछ और है

कुछ हमारे जीवन में थोड़ा सा दिक्कत की स्थिति आ जाती है तो हम उन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे जाने की कोशिश करते हैं जहां हम बड़े लविंग केयरिंग एटमोसफेयर था जहां हमको कोई डांटता नहीं था जैसे बच्चे अक्सर कहते हैं तो अच्छा था हम छोटे थे तो हमको डांट नहीं पड़ती थी हम क्यों बड़े हो गए जो हमको डांट पड़ने लगी हम वापस बच्चे हो जाए या आप साइकोलॉजिकल हम जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है किसी आगे की स्टेज पर चले गए हैं लेकिन हमको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगती तो हम फिर से वो पिछला बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगते हैं कि नहीं नहीं हमको बहुत डर लग रहा है हमारे साथ कोई चलो कुछ इस तरह से हमको डर क्यों क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए हम पीछे जाते हैं रिग्रेशन है ये है ना इट फंक्शन इज ए फॉर्म ऑफ रीट्रीट इनेबलिंग ए पर्सन टू साइकोलॉजिकली गो बैक इन टाइम हम समय के संग पीछे चले जा जाते हैं जहां पे हमको लगता था कि हम सेफ है जैसे एग्जाम्पल इसका वाइल रिग्रेशन कैन हैपन एट एनी पॉइंट इन हैड बाल्यावस्था में किसी भी समय हो सकता है लेकिन

ये उस तरीके की रक्षा प्रणाली है जिसमें क्या होता है अनप्लीजर प्रोवोकिंग दुख मिल रहा है है ना मॉरली डिसएग्रीएबल इंपल्स है मतलब नैतिक रूप से वो ठीक नहीं है या दर्द दे रही है वो स्मृतियां हमको तो हम क्या करते हैं एक्टिवली प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग कॉन्शियस अवेयरनेस मतलब हम

डेलीटली नहीं कर रहे हैं उसको लेकिन सब्रेशन में यही काम कॉन्शियसली हो रहा है मतलब हम सोच के सोच रहे हैं कि नहीं सोचना है जबकि डिप्रेशन में ये अनकॉन्शियसली है कि हमको उसको रोकना है रोकना है सोचना नहीं ये बस अंतर है दोनों में ठीक है तो इसलिए इसको यही बता दिया ठीक है डिप्रेशन हो गया अब

रिप्रेशन है लेकिन हम जबरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं कॉन्शियसली तो वो सप्रेशन है

विचार मन में आ रहे हैं उनको हम ऐसे विचारों में तब्दील कर दें जो कम हानिकारक हो या लाभदायक हो जैसे ए पर्सन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स टू तो सब्लीमेट एग्रेसिव डिजायर्स ए पर्सन क्रिएट्स म्यूजिक और आर्ट टू तो सब्लीमेट सेक्शुअल डिजायर्स सेक्शुअल ड्राइव्स है ना कि कुछ एग्रेशन बहुत गुस्सा आ रहा है हमको तो हम क्या करते हैं कुछ खेलने लगते हैं कुछ तो वो एनर्जी वहाँ चैनल आउट हो जाती है हो जाती है

है ना हर स्थिति में हर डिफेंस का क्या है लेकिन उसका जिस्ट यही है कि हमको अपने गिल्ट से दूर होना है। जब तक गिल्ट रहेगा तब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा तो हम गिल्ट से निकलने की कोशिश करते हैं और अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ओके अब आया इंटेलेक्चुअलाइजेशन देखिए रैशनलाइजेशन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन मिलते जुलते हैं इंटेलेक्चुअलाइज इंटलेक्चुअल Uses abstract थिंकिंग क्यों हिंदी में कह रहे हैं इसको हम बौद्धिकता कह रहे हैं ना इंटेलेक्ट से मिलता जुलता है तो इसमें हम क्या कहते हैं

देन इंट्रोजेक्शन इंट्रोजेक्शन क्या है समटाइम्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन इंट्रोजेक्शन को कभी कभी आइडेंटिफिकेशन या तादात्मीकरण भी कहते हैं वैसे इसका अंतर्मुखता नाम है हिंदी में इन्वॉल्व टेकिंग इन टू योर ओर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम एल्स बिकॉज डूइंग सो सॉल्व सम इमोशनल डिफिकल्टी हम क्या करते हैं किसी दूसरे की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक को अपनाने की कोशिश करते हैं उससे हमको लगता है कि हम थोड़ा स्ट्रेस हमारी लाइफ का दूर हो रहा है विद आइडेंटिफिकेशन ए हाईली वैल्यूड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज रिगार्डेड एट सेपरेट फ्रॉम द क्लाइंट एंड द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज बिल्ड

वी रूल दि स्कूल ड्रेसिंग दी बिल आइडेंटिफिकेशन और अगर वो एग्जैक्टली exactly उसकी तरह से बिहेव करने लगेगा तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और अगर वो अः अनकॉन्शियसली बिगिन करेगा एक्ट करना उनकी तरीके से तो वो

ओके सप्रेशन वही है अनलाइक रिप्रेशन रिप्रेशन में हम अनकॉन्शियसली रोक रहे हैं पेनफुल मेमोरी को अपने जैसे इफ़ यू आरथ रिलेशनशिप यू मे कॉन्शियसली विद योर लाइफ कुछ ऐसा हैपनिंग हमारी जिंदगी में हो गई तो हम रोकेंगे उसको सप्रेस करेंगे जान बुझ के जानते बूझते कि नहीं हमको उस विषय में नहीं सोचना और जीवन में आगे बढ़ना है ओके okay. डिफेंस so एंड uh, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है रैशनलाइजेशन रिप्रेशन सप्रेशन में क्या है रिग्रेशन रिप्रेशन में क्या है सब मिलते जुलते टर्म्स हैं तो आप इसको ढंग से uh, समझ लेंगे तो कई सवालों के सही जवाब दे पाएंगे ओके सो थैंक यू एंड डोंगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम्स कैन टू जॉइन एक्सप्लोर एजुकेशन एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू गेट लर्निंग मटीरियल एंड आस्किन मई फीडबैक टू ओके